नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। आपको बताते चले, वार्ड नंबर 42 के भावी पार्षद सूरज सेंगर के साथ लोगों की समस्याओं को लेकर के की गई बातचीत। सर नमस्कार, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, राम राम सभी को। सर जैसा कि वार्ड में समस्याएं चल रही हैं और लोग इस वक्त नालों से, सीवर जाम से और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, इस प्रकार आपने लोगों की किस तरह से सहायता की है? सहायता तो बहुत प्रकार से की गई है और समस्याओं का देखें तो फर्श से लेके अर्श तक समस्याओं का भंडार लगा हुआ है। चाहे वो जल भराव की समस्या हो, नाली की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, रोड की समस्या हो, या प्रत्येक नागरिक का सुविधाओं की समस्या हो कि कोई योजना का लाभ है वो भी नहीं मिल पा रहा लोगों को। आजकल आपने देखा होगा कि अपने वोटर आईडी कार्ड्स के लिए हमने भी बहुत सारे काम किए थे, आधार कार्ड के लिए बहुत सारे काम किए हैं, कुछ लोगों की पेंशनें भी बनवाई हैं और कुछ कन्या योजना के तहत हमने किसी लोगों को लाभ भी दिलवाया है। तो जो सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ भी हम प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा रहे हैं। जिस किसी का भी फोन आता है, आधी रात फोन आ जाए, आधी रात उसके लिए खड़े हुए रहते हैं, जिससे जनता हमसे जुड़ रही है। देखिए, अगर हम बात करें, पार्षद भी के चुनाव आएंगे और जिसमें आप दावेदार भी हैं मजबूत, तो लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो पानी की समस्या है, जल भराव की समस्या हो जाती है बारिशों के दिनों में, सीवर जाम की समस्या है, तो ये जो यहाँ की जो समस्याएं हैं इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? आगे जो जनता है उनको किस तरीके से आप लाभ पहुँचाएंगे? जैसा कि अभी हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था कि 5 मिनट की बारिश में एक जगह पूरा जल भराव की समस्या बन गई थी, तो उस टाइम पे हमने ये देखना है कि हमें जहाँ जहाँ भी जल भराव की ऐसी समस्या आ रही है तो वहाँ जो गंदे पानी की निकासी व्यवस्था है उसको किस तरीके से करा जाएगा। तो गंदे पानी की निकासी तभी संभव है जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगे हों जगह जगह पे, जहाँ पे नीचे अपना पानी जहाँ भरता है। और दूसरा आपकी सीवर की समस्या है, तो सीवर का हमारा ये है कि जैसी बरसात होगी उससे पहले हम पहले सीवरों की सभी की सफाई कराई जाएगी जिससे कि पानी रुके नहीं। बात की जाए लोगों की राशन कार्ड वगैरह की और वोटर आईडी कार्ड की, जहाँ तक कि अभी कुछ लोगों के राशन कार्ड में भी दिक्कत है, इस प्रकार आपने किस तरह से लोगों को सुविधा पहुँचाई है? जैसे कि राशन कार्ड का तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से ही अभी बंद है, पर उससे पहले भी हमने, हमारी मम्मी भी महिला जिलाध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस सेवा दल से, तो उन्होंने भी पहले काफ़ी सारे लोगों के राशन कार्ड बनवा चुके थे और हमारा परिवार 20 सालों से सेवा में ही है। पहले हमारे परिवार, अब हमारी मम्मी चल फिर नहीं सकती, इसकी वजह से फिर अब वो सेवा काम हमने ले रखा है। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे जो लोग हैं, बात प्रवासी जो लोग यहाँ फरीदाबाद में रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं उनके जो भी चीज़, जैसे आपने बताया कि राशन कार्ड, इसके अलावा जो आज के टाइम में जो बाहर से आए हुए यहाँ पे लोग हैं, रोज़गार की भी उनको जो है, तो रोज़गार के लिए आपने कुछ लोगों की सहायता कुछ किया? हाँ, रोज़गार के लिए भी मैं भी एक कंपनी में प्रशासनिक विभाग में हूँ और मैंने रोज़गार के लिए भी जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसको उस तरीके की नौकरी दिलवाने का पूरा प्रयास किया है और नौकरी दिलवाई भी है, जिसमें से 50-60 लड़के अभी तक हमारे पास आए थे और वो हमने लगवाए भी हैं। और जिस तरह की जिसकी क्वालिफिकेशन होती है उस तरीके से हम उन लोगों को लगवाते भी हैं। जैसा कि आपने बताया, आप इस तरह से जैसी क्वालिफिकेशन होती है जॉब लगवाते हैं। अब हम बात करें कि आपने अभी तक कितने वोटर कार्ड बनवाए हैं और कितने लोगों को नौकरी पर लगवाया है, ये जनसंख्या आप बताएंगे? सर इसकी संख्या, अनुमानित संख्या मैं बता देता हूँ कि कम से कम मैंने अपने वार्ड के या वार्ड से अलग भी कम से कम अभी तक मैं 50 से 100 बच्चों को लगवा चुका हूँ। जो फ्रेशर डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो आज भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आज भी उनके लिए तत्पर तैयार हूँ मैं और हमेशा तैयार रहूँगा, चाहे हम पार्षद में लोग हमें समर्थन करें या ना करें, हम जीते या हारे, पर हम वो अपनी सेवा जो है वो चालू रखेंगे। वोटर आईडी कार्ड्स लगभग हम 6-7 महीनों से बना रहे हैं और अभी तक हमने 500-600 के आसपास वोटर आईडी कार्ड्स बना चुके हैं। और किसी को आधार कार्ड में करेक्शन करानी है वो भी आधार कार्ड में करेक्शन भी करवाई है हमने, और भी कई छोटे मोटे काम है जो अभी हम कर सकते हैं वो हमने करवाए हैं। कहीं सीवर, एक सीवर जाम की समस्या थी भट्टे कॉलोनी सी ब्लॉक के अंदर गली नंबर 2 में, उनका रात को फोन आया था कि जी हमारे पास ऐसे सीवर की समस्या है। जी सुबह होते ही सबसे पहले काम आपका होगा और सुबह 9 बजे के 10 मिनट पे उनका काम हो चुका था।
तो जिस तरीके से लोग आपके से संपर्क कर रहे हैं, मौजूदा पार्षद जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके का कार्य करते होंगे, मगर लोगों ने आपके स्वभाव, आपके नेचर को देख के आपसे सीधा संपर्क करते हैं, आपके सामने अपनी बात रखते हैं, तो क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस किस तरीके से वो आपको समर्थन दे? लोगों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि यदि समाज में बदलाव लाना है तो मध्यम वर्ग और गरीब तबके को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि मध्यम वर्ग को आज की डेट में क्या हो रहा है कि मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं, गरीब की हिम्मत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं बदलाव की। तो बदलाव लाना है तो मध्यम वर्ग और गरीब तबके को आगे आना पड़ेगा। मैं भी एक मध्यम परिवार से ही आता हूँ। जैसा कि लोग आपको इस बार प्रदेश के चुनाव में अगर आपको मौका देते हैं और आपको बहुमतों से वार्ड 42 से लोग अगर आपको मौका देते हैं तो आप उनकी किस प्रकार से सहायता करेंगे? मैं ये वार्ड मेरा परिवार है और इसमें परिवार की तरह अपने और मैं सबको बेटे की तरह, सबके बेटे की तरह ही आप मदद करना चाहूंगा, सबके सेवा करना चाहूंगा। आपका बेटा हूँ, आपके बीच रहूंगा, आपका सेवक सूरज सेंगर नाम।